तो प्यारे बहनों और भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर अपने अनुभवों में एक बड़ी मार्मिक बात कही है कि गिरजा संसमान सन्नाला पछवान बिन हरि कृपा स्वभावी बेदपा। तो संतों का सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और सत्संग संसार के प्राणी के लिए बहुत बड़ी न्याय है। अगर एक घड़ी का सत्संग भी अगर प्राप्त हो जाए, आधी घड़ी का भी मिल जाए, उससे आधी घड़ी का भी मिल जाए, तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और हम इस संसार में 84 लाख जिया जून भोगने के पश्चात हमें ये 16 प्राप्त हुआ है और ये बड़ा बहुत सुनहरी अवसर है इस मनुष्य टोले को पाना। ये बड़े भागों से मिलता है, ये किसी कर्म धर्म से नहीं मिलता, ये बहुत बड़े जिसके भाग्य होते हैं उसको प्राप्त होता है। तो महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि ये देह दुर्लभ तुमने पाया, पूर्व जन्म का उठका खाया, या तो विफा मत हो चेतु चिंचन भक्ति की मौत। क्योंकि परमात्मा ने 84 लाख जिया जो बना दिए और फिर देखा कि मेरे जैसा कौन हो सकता है, तो अपने जैसा इंसान को बनाया। तो ये जो शरीर है यही परमेश्वर का परमात्मा का मंदिर है, ये शरीर हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रकट हो। तो इसमें वो ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम जान सकते हैं वो ज्ञान भी है और उस ज्ञान को जानने की विवेक शक्ति भी इसी के अंदर है। और अगर इंसान इस मनुष्य में आए और वो अगर उस विवेक शक्ति का प्रयोग ना करें और ऐसे ही खाने पीने में अपना जीवन बर्बाद कर ले, तो फिर क्या किया इस संसार में आकर। क्योंकि पेड़ पौधे पशु पक्षी नाना प्रकार की उंगलियाँ हैं, 84 लाख जी अर्जुन है, वो भोग्य हुई है, वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि परमात्मा ने एक इंसान के अंदर वो विवेक शक्ति रखी है और ये शरीर उस परमात्मा का मंदिर है, बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड, ये परमात्मा का मंदिर है। बाहर तो ठीक है, एक समझाने के लिए हमने मंदिर बना दिए, लेकिन ये परमात्मा का मंदिर है, इसमें वो आप विराजमान। हम उसको बाहर तलाश करते हैं कि शायद कहीं मंदिर में बैठा है या तीर्थों पे बैठा होगा या कहीं जंगल में बैठा है या गुफा में बैठा है, वो वहाँ पे नहीं है, या आकाश में है या पाताल में है, वो वहाँ नहीं है, वो हमारे अपने ही अंदर है। तो नेड़े ना ही दूर, नेड़े ना ही दूर, निज आत्मे रह भरपूर गुरु प्रसाद जाने जन्नामा सहसमा। तो वो आपके नज़दीक से नज़दीक है, नेड़े ना ही दूर, और आप वो परम आत्मा के रूप में हैं और आप आत्मा के रूप में हैं, हम आत्मा के रूप में हैं, लेकिन हमने भी उस परम आत्मा से निकले हैं, हमने भी उसी का रूप लेना है। आत्मा ही परमात्मा, आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये अजर है अमर है अविनाशी है, लेकिन अपने अपने जो जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा कभी हम नरक में चले जाते हैं, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। तो लक्ष 84 बरबंदियाँ मानो चोला पायो ले नानक नाम संभाल से भी नहीं रहे। जो 84 लाख जी अर्जुन भोगने के बाद हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, कहते हैं कि लक्ष 84 बरबंदियाँ मानो चोला पायो, तो 84 लाख का भ्रमण करने के पश्चात ही हमें ये मुझ चोले की अवसर प्राप्त हुआ है। और ये इसलिए मिला है ने नानक नाम संभाल सो दिन मिल गया है। वो नाम क्या चीज है, वो नाम परमेश्वर है, परमात्मा है, वो लाइट के रूप में है और साउंड के रूप में है और वो सबके घट घट में विराजमान है, क्योंकि वो ही हमारे स्वास्थ्य का खजाना है, वो ही हमारे प्राण है, वो ही हमारा
जीवन है वही मेरे हमारे जीवन का आधार है। तो तभी कहा है कि गुरु मेरे जान प्राण, गुरु मेरे जान प्राण सब का दीना दाना, शब्द मेरा आधार सब का मन पहचाना, क्या गुण कहूँ शब्द 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 का अग्नि ठिकाना, मन मत ठोकर खाए गए चौरासी का। तो कितनी सुंदर बात गुरु साहिब समझा रहे हैं कि गुरु हमारे जान है, गुरु हमारे प्राण है, जो जब तक वो सत्ता हमारे अंदर है तो हम संसार में मिल भी रहे हैं और सबसे बात भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, प्रेम भी कर लेते हैं, दूसरे की सेवा भी कर लेते हैं। लेकिन जब वो श्वास खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें संसार से चलना पड़ता है। तो फिर कहते हैं कि अब राम नाम ये इससे वो सत्ता निकल गई, अब ये राम नाम सत्य हो गया, अब इसको निकाल दो, अब इसको निकाल दो। तो फिर उसको चाहे वो कितना बड़ा भी है, कोई राजा है, महाराजा है, कोई भी है या कोई कैसा भी है, फिर उसको रखते नहीं, कितना प्यारा भी है, सब दूर दूर हो जाते हैं। तो संसार का जो रिश्ता होता है वो चिता तक ही होता है। जब बुरा समय आता है तो अपने जो बहुत बड़ा प्यार करने वाले भी होते हैं वो भी दूर दूर हो जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं निभाता। तो हमारा साथ कौन निभाता है? वो परमेश्वर जो गुरु है, जो परमात्मा है, जो सबके घर घर में विराजमान है, वही हमारा साथ निभाता है। यहाँ भी वो हमारा साथ निभा रहा है। जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो फिर वही हमारा साथ निभा। तो इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। तो वो पुकार रहा है कि आप मेरी तरफ ध्यान करो, मैं आपको ऊपर रानी मंडलों पे ले जाऊंगा, जहाँ पर आने से आपका जन्म, आप जन्म मरण से रहते हो जाओगे और आपका सदा सदा का जीवन हो जाएगा। तो वो सूर्य के रूप में है और हम किरण के रूप में। अगर किरण सूर्य से निकल जाए, सूर्य से बिछड़ जाए, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में से अगर वो समुद्र में से वो बूंदे जब बरसती है पहाड़ों टीलों के ऊपर, तो वो पानी नदी नाली में आता है, नदियों में नाले में आता है, और कुछ पानी चप्पड़ में रह जाता है। जो नदी नाले में आता है वो फिर समुद्र में मिल जाता है, अपने भगवान में मिल जाता है, और उसको सदा का सुख मिल जाता है, सदा की शांति मिल जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा से पिछड़ी है, ये भी परमात्मा से पिछड़ी है, इसको कोई सुख नहीं है, सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया जाके नाम। सुखी कौन हुआ है? जिसको नाम मिल गया। नाम क्या चीज है? नाम परमेश्वर है, वो सच्चाई है, वो सत्य है जो कि हमारे सबके अंतर में है, वो सच्चाई है। तो उस सच्चाई को हमने इसी जीवन में जानना है। अगर उसको जान लिया, ऐसा नहीं है कि आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा या आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा फिर आपको परमात्मा मिलेगा, नहीं। आपको जो सेवा मिली है अपने परिवार की, वो परमेश्वर ने परमात्मा ने दी है, क्योंकि हम सभी आत्मा है, हम सभी आत्मा है, हम कोई एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, हम सब एक आत्मा ही है। परमेश्वर भी एक ही है, वो कौन है? वो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, वो हमारा अंशी है, हम उसकी अंश है। तो अंशी का धर्म होता है उसी में मिल जाए, उसी का रूप में, और वो इसी जन्म में हो सकता है। फिर अगर हम भोगी योनियों में जाएंगे, कीड़े मकोड़े के पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, पेड़ पौधे की योनि में जाएंगे, तो हम नहीं समझ सकते उसका, अभी हम समझ सकते हैं और हम अपना भला कर सकते हैं। जैसे दास ने आपके चरणों में अर्ज किया कि किरण बिछड़ गई और वो बूंद भी बिछड़ गई, उसको अपने भगवान में मिल गई, वो उसी का रूप हो गई। तो जो छप्पड़ में पानी रह जाता है तो वो फिर सड़ता है और उसमें बदबू पड़ जाती है, और फिर वो भी
भाव बन करके फिर ऊपर आता है, बादल बनते हैं, फिर बरसता है, तो फिर वो फिर अपने भगवान में मिल जाता है और उसको सदा सुख मिल जाता है। इसी प्रकार आत्मा में परमात्मा से कुछ भी है। तो तभी कहा है कि परमेश्वर से बोलिया गया परसभ्य रहो विमुख हुए राम ने लगन जन्म लियो। तो हम परमेश्वर से जब तक उससे बिछड़े हुए हैं तब तक हमें हमारे लिए दर्द दर्द के ठोकरे हैं। तो दुनिया कहती है कि मैंने तो चार वेद पढ़ लिए, सारा पुराण पढ़ लिए, छः सात पर नौ व्याकरण पढ़ लिए, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान चढ़ने से होता है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि रमैन जी भी समझा रही है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिना कर्म करे भी दिनाना। तो आप में ऐसी सत्ता है, ऐसी ताकत है परमेश्वर की, पूरी पूर्ण ताकत है आपके अंदर। अगर आप उसको जान लें और आप उस नाम को प्राप्त कर लें, वो नाम आपको मिल गया, तो फिर आप ध्यान में बैठेंगे और जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी तो आपकी उड़ान हो जाएगी। आपको फिर कोई फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी या गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने यहाँ ध्यान लगाया और आप साफ साफ सात समुद्र पार हो गए और आपने सारी दुनिया का भ्रमण करके फिर इसी शरीर में आए, तो उसको मरना कहते हैं। तो कभी कहा है कि इंसान तू मरने से पहले मर ताकि तू सदा के जीवन को पा जाए। लर्न टू डाई सो दैट यू मे रिटेन टू लिव, कि इंसान तू मरने से पहले मर ताकि तू सदा के जीवन को प्राप्त कर। तो मरने से पहले हम कैसे मरेंगे, तो वो विद्या गुरु सिखाता है और वो फिर हम जब उस शरीर में से निकल जाते हैं तो फिर हमारा आत्मा का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। तो उसको बाइबल भी कहती है कि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस, कि आत्मा का अनुभव, अपने आत्मा का अनुभव करना, उसको जानना, उसका दर्शन करना। और आत्मा जो है, आत्मा हमारे एक जड़ शरीर है, इसका संबंध संसार के साथ है, संसार जड़ है। तो जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि कब खुलती है, जब हमें वो ज्ञान मिल जाता है और जब हम उसकी कमाई करते हैं तो फिर हम हमारी वो जो बंधन पड़ा हुआ है वो खुल जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बंधन खुल जाते हैं। तो वो बंधन कौन खोल सकता है, जो जिसके बंधन खुल चुके हैं, जो आप मुक्त है, आप मुक्त मुक्त करे संसार सदा इसको नमस्कार। जो आप मुक्त है वो सारे संसार को मुक्ति प्रदान कर सकता है, सब सबको मुक्त कर सकता है। तो तभी हो सकता है जब हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो परमेश्वर का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, वो लाइट के रूप में है और साउंड के रूप में, जिसको आप अनहद नाद भी कहते हैं, अकथ कथा भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, कई कई तरह से उसको हम संबोधित करते हैं, अपने अपनी भाषा में सबने उसको संबोधित किया है। तो वो प्रकाश इतना प्रकाश है जिसका वर्णन नहीं है। जब हम कमाई करते हैं और जब हम सूक्ष्म मंडल में आ जाते हैं, ब्रह्म के देश में आ जाते हैं, पारब्रह्म के देश में आ जाते हैं, तो वहां पे गुरु खड़ा है। तो गुरु का कभी कहे कि गुरु का दर्श तू देख रे, लासन का शब्द गुरु नित सुनो रे, मिल वासन जा। तो फिर आप कहेंगे कि मैं तो गुरु पाइया जाऊं बने बाहर, तो गुरु का दर्शन फिर पता चलता है कि गुरु क्या है। और जब आप पारब्रह्म के देश में पहुंच गए तो आपका अपना बारह सूर्य का प्रकाश है, अपने आत्मा का बारह सूर्य का प्रकाश है। एक तो एक सूर्य है, दो उदय हो जाए तो संसार जल जाएगा। तो आप में इतनी बड़ी ताकत है कि आपका बारह सूर्य का प्रकाश है और गुरु का कितना है, एक एक रूम का करोड़ करोड़ सूर्य का प्रकाश है। अद्भुत दर्शन है। फिर वहां जब गुरु के दर्शन अगर एक झलक भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है, आनंददायक जीवन है। फिर वो गति मिल जाती है जो बगैर पांव से चलना है, जिन हाथों पे करना है, फिर हम उस गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो कभी दास जो है आपको बता रहा था कि सूर्य की किरण अगर बिछड़ गई, हम भी ऐसे बिछड़े हैं परमेश्वर से, हमें भी आज तक सुख नहीं मिला, दर्द दर की ठोकरें मिली है,
तो हम अगर अपने पिता परमेश्वर से मिल जाए, उसकी प्राप्ति कर लें, तो फिर सदा का जीवन है। तो कभी कहा कि सूरज किरण मिली, जल का जल किया राम, ज्योति ज्योत रले संपूर्ण किया राम, ब्रह्म दिशे ब्रह्म कहानी है, आत्म सारा करने आरा प्रभु ना बना राम। तो फिर आप जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे उसको देखेंगे और ऐसे उससे बात करेंगे, प्रतिदिन बात करेंगे, आपका ऐसा जीवन हो जाएगा। फिर संसार का जो कार्य है वो भी करना है, और प्रतिदिन आपने जो है परमेश्वर से मिलना है, उसका दर्शन करना है, औरों का भी, फिर आप संसार का भी आप भला कर सकते हैं। आप संसार के किसी भी कोने में बैठे होंगे, जब उस चीज को आप प्राप्त कर लोगे, संसार के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, तो आप सारी दुनिया का भला कर सकते हैं। अब राजा जब थे तो उनको तीन जन्मों की याद थी, जब चौथा जन्म हुआ तो उनको तीन जन्मों की याद थी कि तीन जन्मों के अंदर मुझे पूर्ण गुरु नहीं मिला, अधूरा मिला। दुनिया में बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। तो पूर्ण गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। तो राजा जनक को पता चला कि देखो तीन जन्म तो बीत गए, पूर्ण गुरु नहीं मिला, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिसने परमेश्वर को नहीं देखा वो आपको कैसे दिखाएगा? तो जिसने देखा है आपको भी दिखाएगा, कहेगा कि हाँ बैठो और आज आप देख करके जाओ परमेश्वर को और लो आनंद करो। ऐसी चीज गुरु देता है जो पूर्ण गुरु होता है। तो फिर राजा जनक ने शर्त रख दी, बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन लगा दिया कि जो मेरे गुरु बनेंगे इस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, बहुत सोने की मोहरे चांदी बहुत धन दौलत रख दी कि ये उनको दिया जाएगा जो मेरे गुरु बने। तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित जो कहते हैं कि हम बड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं, ध्यान जानते हैं, वो पूछ गए कि हम राजा जनक के गुरु बनेंगे। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि घोड़े के एक रकाब से दूसरे रकाब तक जितनी देर में पहुंच जाता है, उतनी देर में जो परमेश्वर को कुछ अनुभव करा देगा, और जो इस संसार को कंट्रोल करने वाले, इस संसार को बनाने वाले जो ताकत है, उस सत्ता के साथ हमारी चेतना को जोड़ देगा, वो गुरु है, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। तो उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो सारे किसी ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। तो थोड़ी देर के बाद जो है, जो पूर्ण गुरु थे, समय एक समय के अंदर हरेक पूर्ण महापुरुष इस संसार में आता है, होता है, ऐसा नहीं होता। तो वो कई जंगल में बैठे हुए थे, उनका नाम अष्टावक्र था, आठ वर्ग शरीर में पड़े थे टेढ़े मेढ़े जैसे गुरु जैसे देखने के लिए। तो वो आगे आए और उन्होंने कहा कि राजन बताओ कितनी देर में आपको ज्ञान चाहिए? कि महाराज मुझे इतनी देर में, जितनी देर में गुलाब के फूल को तोड़ा जाता है उतनी देर में, या रकाब घोड़े की रकाब से दूसरे रकाब तक पहुंच जाता है उतनी देर में ज्ञान चाहिए। हाँ ठीक है आओ बैठो। तो बैठाया और उनको परमात्मा का दर्शन करा दिया। तो फिर जो महान बैठे हुए थे जिस वक्त वो आए, तो वो हंस पड़े कि ये गुरु जैसा, ये राजा को जब एक गुरु है, एक राजा को ज्ञान देगा, वो हंस पड़े। तो वो कहते हैं कि अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन इस समारोह की सभा क्या बुलाई हुई है? तो उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो हम तो बड़े विद्वान हैं और बड़ी ऊंची कुल के हैं, ब्राह्मण हैं, और हमें चुमार कैसे कर दिया? हम तो जब ये बाहर आएंगे तो हम पूछेंगे उनको कि हम चुमार कैसे हो गए। तो जैसे उनको ज्ञान दिया बाहर आए, तो पूछने लगे कि आपने हमें चुमार कहा, हम चुमार कैसे हो गए? तो कहा कि जिसको अपने चपड़े का ही ज्ञान है उसको चुमार नहीं कहूं तो क्या कहूं? तो प्रत्येक प्राणी अपने शरीर को देखता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो विवेक शक्ति है, उसका तो किसी को पता नहीं।
हम दुखी नहीं हो सकते। आपके पास ऐसी दवाई है, ऐसी वस्तु है आपके पास कि आप सब आपके लिए सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मानंद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि अचरण देखा भारी साधु, अचरण देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं जरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े भी निश्चली के भी बरबर जाने। तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने एक अजूबा देखा, कहते हैं कि क्या पेट जिसके टांगे ना हो, बाजू ना हो, जो पंगु हो, वो क्या उस घाटी को चढ़ सकता है? कहते हैं चढ़ सकता है। और क्या कोई ऐसी कोई कल्पना भी कर सकता है कि गगन मंडल में वो कुआं हो सकता है, या गगन मंडल में कुएं खोदे जा सकते हैं और पानी अपने प्यास बुझा सकता है? क्या बुझा सकता है? ऐसा हो सकता है? कहते हैं ऐसा है। तो तभी कहा है कि बिना बजाए, कहते हैं अगली लाइन में कहते हैं कि बिना बजाए निश्चिन बाजे घंटे सतन गारी दे बहरा सुन सुन मस्त होता है तरकी खबर सागर। कहते हैं कि जब प्राणी वहां पहुंचता है, यह ऊपर पहुंचता है, तो वहां पर बाजे बज रहे हैं जो कि एक क्षण भी वो लुप्त नहीं होते, चल रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। संसार में तो थोड़ी घड़ी बाजे बजा लेंगे फिर बंद हो जाएंगे, लेकिन वो चल रहे हैं। वो तब खत्म होते हैं जिस दिन हमारे मृत्यु हो जाती है, वो लाइट भी तभी ऑफ होती है। तभी कहा है कि ज्योति स्वरूप आत्मा घट घट रहे समाये परम तत्व भाव लो नहीं जाए, तो वो परम प्रकाश में दिन राति, कहते हैं ना कि परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए दिया और बाती। तो उस प्रकाश के लिए कोई बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती, घी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सौता ही प्रकाश है। तो उसको कहते हैं कि प्रभु का रूप जो देखे वही इंसान होता है, जो उस रूप को देखता है और उस वाणी को सुनता है वो इंसान है। तो बिना बजाए निश्चित बात में घंटे संख्य नगारे है मेरा सुन मस्त होता है तरकी कभी सारी है। तो इंसान जब उस कमाई को करता है, उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के कमाई करता है, तो ऐसे बाजे बजते हैं, ऐसे सायरन बजते हैं, इतनी जय जयकार होती है कि वो आत्मा इतनी लवलीन हो जाती है कि उसकी उड़ान हो जाती है, उड़ जाती है। फिर इतनी उसकी गति है, व्यंत व्यंत गति है, फिर वो वहां पहुंचती है और वहां पर फिर वो बाजे बज रहे हैं और क्या उनमें लगा हुआ है। वो कहते हैं कि बिना भूमि के महल बना है, तामे जो तू जानी रे अंधा देख देख सुख पावे बात बता सारी। तो कोई कल्पना कर सकता है कोई ऐसी, या कोई कह सकता है कि बगैर किसी आधारभूत के या बगैर भूमि के कहीं कोई महल बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हाँ, मैंने वो अजूबा देखा कि बगैर आधार भूत के और बगैर भूमि के वो महल बना हुआ है जिसमें वो ज्योति जग रही है और जिसमें वो बाजे बज रहे हैं। तो जो प्राणी वो उस ज्योति का दर्शन करता है और उस अनहद वाणी को सुनता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है, उसका जीवन स्थायी हो जाता है, परमेश्वरी रूप हो जाता है। वास्तव में आप सभी परमेश्वर रूप है, सभी राम है। तो रमाकांत रामायण जी के अंदर रमाकांत कहा कि वो रमने वाला राम, वो रमने वाला राम सब में रम रहा है। जिस दिन वो आवाज लुप्त हो जाती है तो फिर हमें संसार से चलना होता है, फिर कुछ नहीं रह जाता है, फिर सब खत्म हो जाता है। तो हमारे लिए दुख नहीं है, लेकिन दुख तदे जब विसर जाए, दुख तब तक है जब तक हमने परमात्मा को विसारा है। और जिस दिन हम उसको अपने अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, वो सांख के द्वारा, ये आंखें तो नहीं देख सकती, ये तो संसार को माया को देखती है, ये संसार माया को देखने वाले हैं, ये जो आंखें हैं ये संसार को देखने वाले हैं, लेकिन वो नेत्र जो दूसरा नेत्र है ये सबका है, इसको गुरु बोलता है।
जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जब भ्रम हो गया कि ये मेरे अपने प्राय हैं, इनको मारूंगा तो मुझे पाप मिलेगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना तीर कमान छोड़ दिया और चुप हो गए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये है अर्जुन, ये तुझे ये कर्म तेरे लिए प्रकट हुआ है, ये तुझे करना पड़ेगा, और तू सोचता है कि मैं इनको मारूंगा, तू कौन होता है इनको मारने वाला, इनका धर्म तो मरना है, श्रीनों का धर्म तो मरना है, ये यहां नहीं मरेंगे आगे चल के मर जाएंगे, तू कौन, तू क्यों कहता है कि मैं इनको मारूंगा मुझे पाप मिलेगा, तो ये ज्ञान जो है ये ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण जी ने उनका भ्रम खत्म करने के लिए जो उनको शौक लगा हो खत्म नहीं हो रहा था, उन्होंने थोड़ी सी तवज्जो दी उनको और नीचे से निकाला और उनकी आत्माओं को आ गई यहाँ यहाँ किसने और उनको अपनी आत्मा पर दर्शन हुआ, इतना प्रकाश हो गया, इतना प्रकाश हो गया कि वो कहने लगे कि मैं तो आपको अपना सखा मानता था, लेकिन आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, अब मेरे ऊपर कृपा कर दिए, मैं कर दीजिए, मैं यहाँ टिक नहीं सकता, मुझे नीचे उतार दो। तो गुरु ऐसा पहले दिन ही हमारी आत्मा को जो नीचे फंसी हुई है रोम रोम में फंसी है उसको निकाल करके यहाँ ऊपर गया यहाँ गए, और यहाँ से रूहानियत की कथा शुरू होती है, यहाँ से चक्रों से जितने ऋषि मुनि आए वो चक्रों से चलते रहे, पहले सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, 10,000 आदमी का बल होता था उसमें, और बहुत लंबी आयु होती थी, तो 70,000 वर्ष ऋषि मुनि बैठे रहे, लेकिन उनको कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला। तो हमारे वेदों शास्त्रों में भी कहा है कि अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम, तो अध्यात्म विद्या जो है वो सारे धनों का धन है, सारे धनों का धन है, अध्यात्म विद्या सर्व धनम प्रधानम, विद्या तदापि ज्ञानम, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके ही, उस विद्या को प्राप्त करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। तो विद्या उन ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुई, वो भी 70,000 बैठे वर्ष बैठे रहे।